मालदीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हूँ इस टाइम में, और यहाँ पे मौसम बारिश के बाद का मौसम है। यहाँ पे जो काम करने के पर्पज़ से आता है या रहने के पर्पज़ से जो मालदीव आता है, तो उसका एक दिन का खर्चा पड़ता है सिर्फ रहने का 400 MBR, यानी कि मालदीव रुपया। जैसे इंडिया में RS होता है, तो यहाँ पे MBR होता है। तो 400 MBR का मतलब होता है 2123 रुपये के करीब एक दिन का बैठता है रहने का। और अगर होटल लेके कोई रहना चाहता है तो उसमें 7-8 हज़ार रुपये एक दिन का। रहने का और खाने का एक्सपेंसिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और घूमने का बहुत कम है। ये जो बोट आ रही है ना, इसमें ओनली 10 MBR, यानी कि इंडियन का 50 रुपये करीब पड़ेगा एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आगे मैं वीडियो में बनाऊँगा, जो काम करने के पर्पज़ से जो यहाँ पे आता है, तो उसके रहने के लिए कौन सी जगह लेना चाहिए और कौन सी जगह नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी अगर इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आता है, तो वो खुद से वीज़ा बनाए, खुद से टिकट कराए और यहाँ पे आ जाए। कोई एजेंट, ट्रैवल एजेंट से अगर वो बन पाएगा, तो उसमें पैसा पैकेज में बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे यहाँ पे और एक चीज़ है, वर्क परमिट बहुत आसानी से मिल जाता है मालदीव में। और जैसे दूसरे कंट्री में होता है, विजिट वीज़ा लिया और दूसरे कंट्री में चले गए और उसके बाद जाके काम मिल जाता है। लेकिन मालदीव इसका अपोजिट है, यहाँ पे विदाउट वर्क परमिट आपको यहाँ पे काम करना अलाउ नहीं होता, यहाँ पे इलीगल माना जाता है। लेकिन इंडिया से बैठे बैठे कैसे वर्क परमिट मिले? यहाँ पे ओपन वर्क परमिट भी होता है, जिसका प्राइस बहुत सस्ता है। इंडिया से वर्क परमिट लो, इधर आ जाओ और काम पे लग जाओ, बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी MTCC कंपनी है, जिसका ये जो बोट है, जो जा रही है बोट, ये बोट उसी कंपनी का होता है। तो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, तो ये जो बोट में बैठ के एक आयरलैंड से दूसरे आयरलैंड तक घूम सकते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आगे बहुत सारे वीडियो और बनाऊँगा इसमें, यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है और वर्क परमिट यहाँ पे कैसे मिल जाती है, और यहाँ पे खाने का कितना एक्सपेंसिव है, क्योंकि मॉल में जाके सब चीज़ों का प्राइस दिखाऊंगा और सब चीज़ों का रेट मैं दिखाऊंगा कैसे क्या है।